सर आनंद मिश्रा, चेयरमैन ऑफ दिस सेशन एंड द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी, रिस्पेक्टेड कलीग्स, स्कॉलर सिटिंग इन द हॉल, रिस्पेक्टेड प्रोफेसर जीपी दास जी एंड प्रोफेसर हरिशंकर प्रसाद जी ऑनलाइन, एंड माय डियर रिसर्च स्कॉलर्स स्टूडेंट्स, आई नो दैट यू ऑल कैन अंडरस्टैंड the lecture in English well. But I shall feel comfortable in delivering my lecture in Hindi. However, if you say that I have to speak in English, then I can, but I think that all of the audience sitting here, they understand Hindi well. मैं विभाग के अध्यक्ष जी का और अपने जो कलीग्स हैं उनका आभारी हूं कि स्टडी सर्किल के सेकेंड लेक्चर में मुझे आमंत्रित किया गया और भर्तृहरि के काल समुदेश पर बोलने के लिए कहा गया। समुदेश का अर्थ होता है चैप्टर, काल माने टाइम, तो ए चैप्टर ऑन टाइम इन भर्तृहरि, तो भर्तृहरि हैज रिटेन ए चैप्टर ऑन टाइम। मानो भर्तृहरि को समझना तो बहुत कठिन है, पर मैंने कैसे समझा है ये मैं अपनी बात रखूंगा, और मुझे बहुत खुशी है कि टाइम पर बहुत अच्छे ज्ञाता हमारे बीच में हैं हरिशंकर प्रसाद जी, और लोग भी हैं। तो उन लोगों का जो रिस्पांस होगा, जो क्वेरीज होंगी, क्वेश्चंस होंगे, आई विल रिस्पॉन्ड द क्वेश्चंस एंड क्वेरीज फ्रॉम द ऑडियंस, फ्रॉम द लर्नेड ऑडियंस इन इंग्लिश, बट हाउएवर आई एम स्पीकिंग इन हिंदी। कैसे समझा जाए? बहुत लोग तो भर्तृहरि के काल समुदेश को देखे भी नहीं होंगे आप लोगों में से, स्टूडेंट्स में, कैसे समझा जाए? लेकिन कांट को तो सब लोग समझते हैं। तो कांट से बहुत पहले, शंकराचार्य से भी 400-500 वर्ष पहले भर्तृहरि पैदा हुए थे। तब क्या परसेप्शन था टाइम का? टाइम पर सभी दार्शनिकों ने, भारतीय दर्शन में जितने भी दार्शनिक हैं, सबने विचार किया है अपने अपने दर्शन के संप्रदाय के अनुकूल, सबने टाइम पर विचार किया है, और सब मिलाकर के जो भर्तृहरि का टाइम पर कंसेप्ट है वो उन लोगों के विचारों को भी विश्लेषित करता है, एनालाइज करता है। और यह बताने का प्रयास करता है कि दो तरह से टाइम को देखा जा सकता है। एक तो जो हमारे अनुभव में आता है, जैसे रात दिन, ये घड़ी से, एक घंटा, एक पल, एक सेकंड, इस रूप में आप लोग टाइम को देखते हैं कि टाइम इज डिवाइडेड, इसी रूप में आपकी बुद्धि ग्रहण करती है। दूसरे ये कि
दो वस्तुओं में जो भिन्नता होती है उसमें भी कभी कभी टाइम काम करता है। जैसे मान लीजिए कि वो बांस के बढ़ने का समय और पाम के बढ़ने का समय, इन दोनों में जो काल का भेद है इसका भी बोध काल से ही होता है। उसके बाद दूरी का भी देखिए, अगर काल ना हो तो एक से दूसरा कदम नहीं जाएगा स्पेस में, दूसरा कदम जाने में कुछ समय लगता है, समय इन्वॉल्व होता है, तो उसमें भी समय लगा रहता है। तीसरा यह है कि जो भी चीजें क्रम से घटित होती हैं, जो भी क्रियाएं क्रम से घटित होती हैं, कोई भी क्रिया ऐसी नहीं है जिसमें काल लगा न हो, हर क्रिया काल में होती है। पर हम अनुभव से कैसे जानते हैं, क्रम के रूप में जानते हैं, क्रम से घटित होती है। तो क्रम कार्य काल का ही एक लक्षण है और इसको भी सभी लोगों ने माना है। अब यह है कि काल बाहर है कि आंतरिक है, इस पर भी सवाल उठता है। तो बौद्धादि और भर्तृहरि भी आंतरिक मानते हैं, लेकिन भर्तृहरि आंतरिक मानते हुए भी उसकी जो शक्तियां बाहर काम करती हैं उसके आधार पर अनुभव से जो काल का ज्ञान होता है वो क्रम से होता है, क्रम के रूप में भी जानते हैं। अब कितनी तरह की क्रियाएं हैं संसार में जिसमें काल रहता है और जिसमें काल नहीं रहता है, ये हम अभी बताएंगे। पर अभी बता रहे हैं कि सारी तरह की क्रियाएं जितनी हैं संसार में वो सब काल के काल में ही घटित होती हैं। अब जैसे छह तरह की क्रियाएं यास्क ने बताई, कोई चीज उत्पन्न होती है, अस्तित्व में आती है, उत्पन्न होने के पहले, जन्म लेने के पहले तो कोई अस्तित्व में नहीं आएगा, उत्पन्न होने के बाद ही अस्तित्व में आएगा। उसके बाद अस्तित्व में आने के बाद वृद्धि होती है, तीन हुआ, वृद्धि के बाद उसमें विपरिणाम होता है, चेंजेज आते हैं, शाखाएं निकलती हैं या तमाम परिवर्तन आते हैं, तमाम उपाधियां ग्रहण करता है, सब चेंजेज आते हैं। उसके बाद फिर उसका ह्रास होने लगता है और अंत में विनाश हो जाता है। तो विनाश में भी भर्तृहरि का मानना है कि जिसको हम विनाश करते हैं वो जन्म का आरंभ है, ये चक्र है। तो उस चक्र में विनाश से जन्म होता है और जब जन्म का विनाश हो जाता है तो सत्ता आती है, सत्ता का विनाश होता है। इस तरह से एक क्रम चलता रहता है। जैसे जो रहट लोग देखे होंगे, रहट समझते हैं ना, पहले के किसान लोग रहट से पानी खेतों में कुएं से निकालते थे, तो एक अभी आया नहीं है, दूसरा आके गिर रहा है पानी और फिर आगे बढ़ गया, तो ये चक्र चलता रहता है। कौन पहले आया ये आप गिन नहीं सकते, बता नहीं सकते, गिरता रहता है, क्रम से चलता रहता है। और पानी की धारा लगातार गिरती है, उसमें भी ब्रेक नहीं होता है, उसी तरह से समय चलता रहता है इन सभी छह क्रियाओं में। लेकिन इस क्रियाओं को समझने के लिए आपको बताना, जानना यह जरूरी है कि जैसे मैंने बताया कि जन्म से लेकर विनाश तक ये छह क्रियाएं हुई, तो विनाश के बाद फिर जो है वो जब विनाश ढकेगा, प्रतिबंधित होगा, तो जन्म आएगा सत्ता के पहले, माने विनाश और अस्तित्व के पहले जन्म आएगा, उसी काल को हम जन्म कहेंगे।
अब आज तो आपका जन्म नहीं ना हुआ, आप इतने साल के हो गए हैं, अब परिवर्तन भी परिणाम हो रहा है। तो विनाश के बाद और सत्ता में आने के पहले को जन्म कहेंगे, जन्म के बाद और वृद्धि के पहले की जो स्थिति है उसको हम सत्ता कहते हैं, और अस्तित्व में आने के बाद और विपरिणाम होने के पहले को वृद्धि कहते हैं, बढ़ता है आदि, हर तरह से बढ़ता है। उसी तरह से ह्रास होने के पहले नहीं नहीं वृद्धि के बाद और ह्रास होने के पहले विपरिणाम आएगा, परिवर्तन आएगा, और परिवर्तन के बाद ये जो विनाश है उन दोनों के बीच की जो अवधि है वो ह्रास का काल है, और उसके बाद ह्रास के बाद और जन्म के बीच की स्थिति ही विनाश है। माने अत्यंत ऊर्जा का अत्यंत विनाश नहीं होता। भर्तृहरि मानते हैं कि सब शब्द ऊर्जा रूप है, शक्ति रूप है, और सब रूपों में वही है। तो जब सब रूपों में वही है तो ये काम कैसे करती है काल शक्ति? सत्ता में भी काम कर रही है, आप देख रहे हैं, जन्म में भी काम कर रही है, विपरिणाम में भी काम कर रही है। इसीलिए बहुत सारे दार्शनिकों ने इसको परमेश्वरी शक्ति कहा है, इसको परम सत्ता भी माना है। इसे बर्गशा वगैरह देखेंगे। एक दूसरी बात जो भर्तृहरि टाइम को लेके ही कहते हैं, आप कहते हैं ना कि टाइम को हम पकड़ नहीं सकते, या आगे कब कैसा समय आएगा, ये दोनों बात आप कहते हैं, लेकिन आपको ये बोध नहीं होता है कि आपको जब भी ज्ञान होता है वो वर्तमान में ही होगा। भूत का ज्ञान भी वर्तमान में ही होगा जब भूत की स्मृतियां वर्तमान में प्रकाशित होंगी बुद्धि में, और भविष्यत का ज्ञान भी वर्तमान में ही होगा। कोई भी ज्ञान भूत में नहीं होता और भविष्य में नहीं होता। आपको क्या आपको भूत में ज्ञान हुआ, इसका भी ज्ञान आपको वर्तमान में नहीं होगा? किताबें पढ़ते हैं परीक्षा में लिखने जाने के लिए तो पहले पढ़ लिए हैं, अब वो स्मृति में आती है तो वर्तमान हो जाती है, तभी आप पढ़ते हैं। तो अतीत और अनागत का भी ज्ञान वर्तमान में ही होगा। तो बुद्धि की क्षमता ही यही है कि जो बुद्धि में प्रकाशित होगा उसी को जान सकती है। कोई कल्पना होगी वो भी वर्तमान क्षण तत्क्षण होगा, इंस्टेंट प्रेजेंट में होगा, और पास्ट में भी भेद कई तरह के किए जाते हैं, पांच तरह के, फ्यूचर में भी दो तरह के भेद, कई तरह के भेद, और वर्तमान में भी कई तरह के भेद किए जाते हैं, काल में ही, काल के ही आधार पर। जैसे अंग्रेजी में टेंस चलता है ना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, उसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस होता है कि नहीं? आप ठीक उसी ढंग से चीजों को समझिए। यहां भी काल के उसी तरह के विभाजन है। अब बहुत पहले हमारी संस्कृति में सब चीजें हैं, उसी अनुसार रूप भी चलते हैं, माने लकार लगते हैं, रूप चलते हैं। तो सारी भाषा की व्याख्या बिना काल के आप नहीं कर सकते। कारण यह है कि भाषा की व्याख्या भर्तृहरि ज्ञान की व्याख्या को लेकर चलते हैं, और ज्ञान हमेशा वर्तमान में प्रकाशित होता है। इसीलिए जब तक कोई चिंतन ज्ञान जो वर्तमान में प्रकाशित होता है उसको अपना विषय नहीं बनाएगा तब तक वो दार्शनिक चिंतन नहीं होगा। ज्ञान को विषय बनाना पड़ेगा।
तो दार्शनिक कोई होगा जो ज्ञान को, और ज्ञान है जो प्रकाशित होता है विचार रूप में, आपके बुद्धि में प्रकाशित होता है। तो बुद्धि में प्रकाशित होने का हम डिवीजन कर लिए हैं कि एक तो अनुभव से जो आएगा उसके द्वारा, जिसे कांट ने कहा कि जितना हमारा अपीयर होता है हमारे बुद्धि के समक्ष वो सब हम अनुभव है, उस सब को हम जान सकते हैं। माने व्हाट अपीयर्स टू आवर माइंड वी कैन नो ओनली दैट, दैट इज फेनोमेना। जो नामेना है, या ऐसे मत समझिए, जो एप्रायरी है, अनुभव के पहले है, अनुभव से नहीं प्राप्त होता है, और जो एपोस्टररी है, जो अनुभव से प्राप्त होता है, दो तरह का ज्ञान विभाजन हुआ है, वो चीजें यहां भी है। अब कही गए कांट ने तो बुद्धि को 12 कैटेगरी जो ये माना है, तो आपको भी भर्तृहरि को समझना है तो जो पद समुदेश में 14 चैप्टर्स लिखे हैं उसको कांट की कैटेगरी के तरफ से आपको समझना होगा। उस 14 में क्या है, उसमें भी है इंडिविजुअल पर चैप्टर है, यूनिवर्सल पर चैप्टर है, जेंडर पर चैप्टर है, स्पेस पर चैप्टर है, दिख जिस स्पेस, टाइम पर चैप्टर है, मूड पर चैप्टर है, उपग्रह, उसके बाद साधन, एसेसरीज, मींस, इन पर एक चैप्टर है, और पर्सन, पर्सन जो प्रयोग होता है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड, उस पर भी एक चैप्टर है। तो ये जो 14 चैप्टर है, एक डिफिनीशन पर भी चैप्टर है जो उपलब्ध नहीं होता, इन 14 चैप्टर में उन्होंने ज्ञान के लिए इन 14 को एक फ्रेम की तरह तैयार किया। और अगर हम कहते हैं राम, रामा, तो इसमें भी हमको केवल इंडिविजुअल का बोध नहीं होता है, इंडिविजुअल की जो विशेषताएं हैं उनके सहित बोध होता है। जैसे अगर इंडिविजुअल है तो फर्स्ट पर्सन में है कि सेकंड पर्सन में, वो क्रिया से बोध हो जाएगा। लेकिन केवल हम कहते हैं राम तो उसमें जो अह प्रत्यय लगता है उसका 5 अर्थ होता है, उसमें एक टाइम भी है। क्या क्या अर्थ है, इंडिविजुअल, यूनिवर्सल, उसके बाद उसका जेंडर, जो पुलिंग है कि स्त्रीलिंग है, ये भी बोध होता है राम कहने से, और उसके बाद फिर संख्या भी, एक है कि दो है कि अनेक राम है, इसका भी राम कहने से बोध होता है, कि प्रत्यय से संख्या का भी बोध होता है, और लिंग का भी बोध होता है, और ये सारे बोध टाइम में होते हैं। इस तरह से जितनी भी चीजें हैं उनका जो बोध है उसमें टाइम की शक्तियां काम करती हैं। तो टाइम स्वयं शक्ति है, लेकिन जितने परिवर्तन करने वाली, पैदा करने वाली शक्तियां हैं, उन शक्तियों में परिवर्तन न होकर के काल में परिवर्तन न होकर के स्वयं में, क्योंकि काल का रूप ही है डायनेमिक, इन चीजों में परिवर्तन पैदा करता है जो वस्तुएं उस शक्ति के अधीन है, और ये वस्तुएं भी शक्ति के ही रूप है। अब जैसे कोई रास्ते में जा रहा है, कोई आ रहा है, हजारों लोग जा रहे हैं, हजारों लोग आ रहे हैं, तो आने जाने से कुछ कोई चीज देखता है, अगल में बगल में देखता रहता है, चलता रहता है, तमाम परिवर्तन अनुभव करता है वो। लेकिन आने जाने वाले और आप में जो परिवर्तन हो रहा है, ये देखा वो देखा, उससे मार्ग में परिवर्तन नहीं होता, मार्ग में भी हो जाता है, मार्ग तो वही है। उसी तरह जो टाइम स्विंग है वो एक तरह से कहिए कि वो शक्ति है, इंडिविजुअल शक्ति है, और जितने भी जहां जहां जिस रूप में हर ज्ञान के लिए टाइम काम करता है वो टाइम की ही शक्तियां हैं। उन शक्तियों को मुख्य रूप से दो, और भर्तृहरि ने उसको 3 भाग में, 3 तरह का बताया शक्ति। एक है पावर ऑफ प्रिवेंशन,
और दूसरा है पावर ऑफ परमिशन, और तीसरा है आप कह देंगे जर, जराक्ष, जर जर माने अभी मैं समझाऊंगा, ओल्ड 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 एज ऐसा। तो ये हिंदी में कहेंगे परमिशन को अभ्यनुज्ञा और प्रिवेंशन को प्रतिबंध और ओल्ड एज को जरा जरा, ये तीन शक्तियां माने हैं। लेकिन तीनों अलग अलग काम करती हैं, ये काल की ही शक्तियां हैं। और सब शक्तियों में जितनी भी शक्तियां हैं जिसको कैटेगरी कांड के हिसाब से बताया, जाति व्यक्ति ये सब, ये सब में टाइम काम करता है। अगर टाइम न लगा रहे तो कोई क्रिया नहीं होगी, और क्रिया ही जीवन है, संसार है, संसरत इति संसार। तो संसार की कल्पना भी, प्रलय की कल्पना भी टाइम में होती है। तो इस संबंध में एक और बात बता लेते हैं, तो अन्य बातों पर हम आएंगे। 114 कारिकाएं हैं, सबको एक घंटे के एक लेक्चर में बताना बड़ा कठिन है, पर उसका मैं मूल मूल सब बात बता दूंगा, ठीक ना। अब जैसे मान लीजिए कि कोई चीज ढकी हुई है, और फिर वो जो ढकी हुई है वही जो है उसी की अभ्यन है, वही परमिट हो गया, वही जो है उपस्थित हो गया, और जो उपस्थित है फिर ढक जाती है। रहट का उदाहरण दिए थे, तो उपस्थित है वो ढक गया, फिर वो ओझल हो जाएगा, फिर जो फिर वो उपस्थित होगा। इस तरह से ट्रैक रहता तो बताते हैं। तो ये जैसे मान लीजिए कि जन्म हुआ, अब जन्म हो गया तो वो काल चला गया, मैंने प्रिवेंट हो गया, तो अस्तित्व में आया, ये वर्तमान में होगा, ठीक ना। अस्तित्व भी चला जाएगा तो वृद्धि वाली बात आएगी, परमिट होगा, और जब वृद्धि भी परमिट होगा तो विपरिणाम परमिट होगा, चेंजेस, ठीक ना। और जब विपरिणाम चेंज हो भी प्रिवेंट हो जाएगा तो परमिशन होगा ह्रास का, और जब ह्रास भी प्रिवेंट हो जाएगा, ओझल हो जाएगा, मतलब हम ये बताना चाहते हैं कि चीजों का बोध तो आपको वर्तमान में होगा, हर बोध वर्तमान में होगा, लेकिन हर ज्ञान नया होता है, हर क्षण हर ज्ञान नया होता है, क्योंकि काल के अधीन ज्ञान काल के साथ ही होता है, काल में ही ज्ञान होता है। तो जो वर्तमान में आपको ज्ञान हुआ या कोई धारणा बनी या कोई कल्पना हुई, वो भूत में चली जाती है, आपके स्मृति का अंग बन जाती है, नहीं भी बन सकती है बहुत सारे केसेस में, किंतु कुछ चीजें जो वर्तमान में ज्ञात होती हैं वो आपकी स्मृति में चली जाती है, जो मूल मूल बातें स्मृति में चली जाती है। आज जो अभी आया नहीं है, भविष्य में है, वो वर्तमान में आएगा। तो जैसे कोई बच्चा है तो पेट में है तो प्रिवेंटेड है, प्रतिबंधित है, और जब पेट से बाहर आया तो उसका परमिशन हो गया, ठीक ना। तो इस तरह से ये प्रक्रिया संसार के हर चीजों में चलती रहती है, कोई क्रिया नहीं है जो क्रम में ना हो और काल में ना हो। क्रम मतलब काल ही है, काल का वह लक्षण जिसका हमको अनुभव होता है, ठीक ना। और जो काल जो एक एक, एक हमारे मस्तिष्क में या बुद्धि में या हमारी हमारे डीप स्ट्रक्चर में है, जिसमें सब चीजों का बोध होता है, वो भी काल का एक रूप है। जो बाहर में जो परिवर्तन होता है घंटे मिनट का, कि अब 12 बीत गया, 1 बज गया, 2 बज गया, उसका भी कारण है, वो उस सूत्रकार की तरह से है, सूत्रधार। अब जैसे पहले के बहेलिया लोग होते थे तो पक्षी फंसाने के लिए
एक छोटा पक्षी एक धागे में बांध के उड़ाते थे। आप लोग के समय में तो बंदूक आ गया है पक्षी मारने का, पर पहले के लोग बड़ी पक्षी फंसाने के लिए एक छोटी पक्षी में रस्सी बांध देते थे बहेलिया लोग, और उसको उड़ाते थे या कोई खींचते थे, उड़ाते थे खींचते थे, माने परमिशन प्रिवेंशन, परमिशन प्रिवेंशन। उससे बड़ी पक्षी सो आकाश में देखती थी कि ये गति वाली, कम गति वाली है और स्थिर भी आकाश में रहती है, आकर्षित होते हैं और वो फिर वो बहेलिया उनके माध्यम से उसको पकड़ लेता है। उसी तरह से ये प्रिवेंशन और परमिशन हर चीजों में होता रहता है। जिसका जन्म होगा वो अस्तित्व में आएगा, जिसका अस्तित्व में होगा उसके बाद नेक्स्ट स्टेप उसमें वृद्धि होनी शुरू होगी, वृद्धि होगा तो फिर विपरिणाम होगा, चारों तरफ शाखा पर शाखा फैलेगा। तो इस तरह से अब देश भी देखिए, वो कहते हैं ना स्पेस टाइम कंटिन्यूम, तो कोई भी ज्ञान ऐसा नहीं है जिसमें काल ना हो। यहां तक कि देश का भी ज्ञान काल में होता है और काल भी देश के साथ लगा हुआ है, अलग नहीं है, दोनों शक्ति के ही रूप है, दोनों शक्ति ही है। एक तरह का काम अगर ज्यादा विशेष ढंग से करेगा तो उसको स्पेस कहते हैं, जैसे यहां से वहां की दूरी, पूरब पश्चिम ये सब है ना, दिशाएं, ये सब स्पेस है। अकाल एक घंटा दो घंटा एक पल एक मिनट, इसी तरह से जानते हैं। पर अगर स्पेस भी है कि बिना टाइम का नहीं चल सकता है, स्पेस भी नहीं हो सकता, स्पेस भी वर्तमान में होगा, ठीक ना। और अगर एक पग भी बढ़ाते हैं तो वो काल में ही बढ़ेगा। तो इस तरह से अगर आप स्पेस की दृष्टि देखते हैं तो वहां स्पेस दृष्टि काम करती है, देश की दृष्टि काम करती है देश, और उसमें भी काल मिला रहता है, दोनों अलग अलग नहीं है। जैसे कि न्यायिक लोग मानते हैं कि दोनों का अलग अलग और बाहर अस्तित्व है, तो बहुत ज्ञान की व्याख्या में उससे दिक्कत आ सकती है। तो कोई भी आप मान लीजिए कि मूर्ति का ज्ञान होता है आपको, घर के ही आपके दिमाग में आया, तो उस घर का जो दिमाग में है वो किसी काल ही में आया, काल लगा हुआ है कि नहीं। भूत में घर आपका गिर गया था तो भी वर्तमान में आएगा उस घर का चित्र, तो उसमें काल वर्तमान में ही ना आया। तो मतलब ये कि काल और देश अलग अलग नहीं है। जब दृष्टि होती है काल की तो काल मुख्य होता है, और जब स्पेस की दृष्टि होती है मुख्य होने की तो स्पेस मुख्य होता है, देश मुख्य होता है, अलग अलग नहीं है वर्ती में, तो शक्ति के ही रूप है। अब जैसे बहेलिया वाला बताए तो उसमें बहेलिया भी शक्ति है, सूत्र भी शक्ति है, वो पक्षी जो बधा हुआ है वो भी शक्ति है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, तीनों अपना काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, समय में ही कर रहे हैं, फैला भी रहा है और खींच भी रहा है, माने स्पेस में जा रहा है, स्पेस से नीचे आ रहा है। तो ये फैलना और सिकुड़ना ये क्रिया स्पेस में भी होती है और काल में होती है। तो इस तरह से काल के बारे में जो भर्तृहरि की दृष्टि है वो मॉडर्न साइंस आया तो लोग जाने कि भाई किसी स्पेस को बढ़ाइएगा तो टाइम को कम करेंगे तो ही स्पेस बढ़ा हुआ दिखेगा, और टाइम अगर अरे काल समय कम लगेगा तो स्पेस कम दिखाई देगा। नहीं बात समझ रहे हैं? तो ये हम लोग श्रेय देते हैं आज के वैज्ञानिकों को, लेकिन ये भर्तृहरि ने भी इस बात को बताया है कि अगर आपकी गति स्लो है, ठीक ना, तो काल अधिक लगेगा, और आपकी गति फास्ट है, मूवमेंट फास्ट है, कम समय में
गति कर रहे हैं तो वो स्पेस कम होगा जी, उसी अनुपात में कम होगा। पर इस तरह का कोई साइंटिफिक आज के युग में काम करना चाहिए टाइम पर। अब इसको कहते हैं काल, क्यों कहते हैं? तो देखिए लोग, शास्त्री लोग, विद्वान लोग यही कहते हैं कलयत इति कालः। जैसे नदी जो है कलकल करती हुई चलती है तो अपने साथ ले आती है जो कुछ पत्ते, कीड़े मकोड़े, फल फूल या रसायन, खनिज, पत्थर इत्यादि, वो दोनों किनारे गिराती रहती है। तो नया सृजन हो गया कि नहीं? दोनों किनारे नई संस्कृतियां बह जाती हैं, ठीक ना? केवल नदी के चीजों को फेंकने से नदी किनारे, दोनों किनारे पर अब कुछ वहां से इकट्ठा करके आगे बढ़ती है। तो हर जगह से कुछ लेती है और हर जगह पर कुछ छोड़ती है, इस तरह से वो गति होगा। तो गति में भी स्पेस लगा हुआ है। अगर इस कहें कि पंखे के गति के बारे में आप चिंतन कीजिए या उसका ज्ञान कीजिए, तो जब भी करेंगे तो पंखा का जो स्पेस है, वो डायना है उसका जो, उसके साथ ही आप कर पाएंगे। अलग से पंखे की गति का ज्ञान, सारे पंखे के जो इस मैटर है उसको निकाल के आपको नहीं हो सकता है। होगा, हो जाएगा क्या? किसी भी गति का ज्ञान उस गतिमान वस्तु को हटा के होगा आपको? नहीं होगा। आपके पास वो साधन नहीं है इंद्रियादि की हो, पर बुद्धि है। आप सोच सकते हैं कि गति जो है पंखा ही नहीं है, गति मोटर और हवाई जहाज ही नहीं है, गति तो हमारे में भी है, सब में है। जो जड़ है उसमें भी गति होती है, थोड़ा स्लो होती है, ठीक ना? तो वस्तुओं के, वस्तुएं काम करती हैं टाइम और स्पेस में, सारे परिवर्तन उनमें विकार होते रहते हैं। केवल स्पेस रहेगा, टाइम नहीं लगेगा, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ परिवर्तनशील है। केवल टाइम रहेगा, स्पेस नहीं रहेगा, तो परिवर्तन का प्रत्यक्ष ही नहीं होगा, कोई मीनिंग नहीं होगा। इसलिए दोनों को लेकर के भर्तृहरि ने अपनी व्याख्या दी है। कलयत इति कालः, कोई नदी के कलकल की तरह समझ लीजिए। कलकल माने गर्गलिंग, गर्गलिंग समझते हैं? अब मैं किस तरह से कलकल को समझाऊं? नदी कलकल करती है ना, तो तमाम चीजों को उत्पन्न भी करती है, बुलबुले बुलबुले के तमाम रंगों को भी उत्पन्न करती है, चलती रहती है, कलकल करती है। लोगों को बड़ा प्रिय लगता है, खासकर जो प्रेमी जन होते हैं उनको बहुत प्रिय लगता है। तो उसी तरह से ये जो टाइम है ना, कलयत इति कालः, और भी इसके नाम है, लेकिन मुख्य प्रसिद्धि वही भूत, वर्तमान और भविष्य के रूप में होती है। और जो पढ़े लिखे हैं वो लोग 11-12 प्रकार के जो टेंसेज हैं उस रूप में उसको, काल को विभाजित करते हैं, समय को सेकंड, घंटा, मिनट में बांट सकते हैं। उससे और भी छोटा, सेकंड के भी 100वें हिस्से में, 60वें हिस्से में बांट सकते हैं। ये डिवीजन आपकी बुद्धि का डिवीजन है, बुद्धि डिवीजन करती है। जो डिविजिबल नहीं है, इनडिविजिबल है, उसमें भी बुद्धि डिवीजन करती है, क्योंकि बिना डिवीजन का कोई काम नहीं होगा और बुद्धि को उसका ज्ञान भी नहीं होगा। तो जो बुद्धि के द्वारा ज्ञात काल है, वस्तुओं में जो परिवर्तन आदि है, जितनी भी क्रियाएं हैं, उस सबका आश्रय, उस सबका मूल काल है। और इसीलिए जो शब्द की शक्तियां हैं उस सब में काल किसी के अधीन नहीं होता। अब देखिए, भेदक तो बहुत हैं, गुण भी भेदक है। ये काला है, ये सफेद है,
हाँ, आम में शुरू में हरा रंग होता है, पक जाएगा तो पीला या लाल हो जाता है, होता है ना, ये गुण है। मिठास भी होता है, खटास भी होता है, ये आम के गुण है। तो ये आम का मिठास और अमरूद का मिठास, दोनों में अंतर है ना, इसी से ना कहते हैं ये अमरूद है ये आम है। तो गुण के आधार पर भेद होता है, ये लड़का ब्रिलियंट है, ये लड़का कम ब्रिलियंट है, ठीक ना। गुण के भी आधार पर भी भेद किया जाता है, क्योंकि बुद्धि तो भेदक है, तो गुण के आधार पर भेद होता है। संख्या के आधार पर भी भेद होता है। अब कोई एक कोई चीज एक होगी, दो होगी, तीन होगी, ये दो है तीन है, ये तीन नहीं है दो है, ऐसे भेद होती है ना। संख्या से संख्या के गिनने में को भी भेद किया जाता है। लोग नहीं गिनते हैं, हजार लाख तक गिन जाते हैं कि नहीं, तो संख्या से संख्या को ना गिनते हैं। पर इस सब में सबसे ऊपर जो काल जो भेदक है वो सब में काम करता है, क्योंकि संख्या से संख्या को भी गिनेंगे, ये एक है, एक सहस्त्र है, एक सौ एक, तो उस विभाजन में भी काल लगा रहता है। इसलिए काल को भर्तृहरि ने स्वतंत्र शक्ति माना है, जो इन शक्तियों के साथ काम करती है, लेकिन इन शक्तियों के भी मूल में है। तो काल सबका भेदक है, और जितनी भी क्रियाएं हैं वो क्रम से होती हैं, उनका भी भेदक काल है। अब एक तीसरी शक्ति प्रतिबंध अभ्यनुव्या के बाद, वो है जाराख्य। एक स्थिति हर चीजों की आती है, जैसे अब गेहूं और चावल ही देखिए, तो एक स्थिति में अंकुर होगा, होगा ना, बीज बोएंगे तो अंकुर होगा। उस समय अंकुर का आवृत था, प्रतिबंध था, अंकुर नहीं आया था, प्रतिबंध था। अंकुर आया, जन्म हुआ अंकुर का, उसके बाद जब आ गया तो अस्तित्व में आ गया, और उसका वृद्धि करते करते एक स्थिति आती है कि उसमें परिवर्तन नहीं होता। आप पकने का इंतजार करते हैं कि पक जाए तो काटेंगे, ठीक है ना, उस स्थिति को जिसे वृद्ध लोग हैं। एक उम्र के बाद ऐसी स्थिति हो जाती है कि रोगों का दुखों का आगमन होने लगता है, उस स्थिति को क्या कहेंगे आप, मतलब केवल हरास नहीं है वो, और विनाश भी नहीं है, और विपरिणाम भी नहीं है। शरीर की स्थिति ये हो जाती है कि क्षमता नहीं रहती है इसमें कि वो वृद्धि आदि कर सके, एक स्थिर जैसी हो जाती है, और उसमें रोग आदि का आगमन होने लगता है, उसको कहते हैं बुढ़ापा, ठीक ना। कितना वो अच्छा खाओ, कुछ भी खाओ, वो जैसा तैसा ही रहेगा, उससे आगे बढ़ेगा, विनाश हो जाएगा, लेकिन उसे पीछे वृद्धि आदि नहीं होती है। आप देखे हैं, वैज्ञानिक भी कहते हैं कि एक उम्र के बाद खून नहीं बनता है, एक उम्र के बाद स्त्रियों को अंडा भी पेट में नहीं बनता है, हाँ, तो एक उम्र के बाद जो है शरीर में कोई दवा भी काम नहीं करती है, ठीक ना। तो उस तरह की स्थिति को कहते हैं जाराख्य। तो जन्म मरण जरा ये सब में काम करने वाली जो शक्ति है वो काल है, और इनका आधार वही शक्ति है। कि जितने भी शक्तियां हैं काल की, उनका भी आधार काल ही है। इस आधार पर उन्होंने काल को स्वतंत्र तो शक्ति, उनके भाष्यकारों ने टीकाकारों ने कहा है, पर काल को उन्होंने शक्ति मूल नहीं माना, स्वतंत्र शक्ति माना, शब्द को ही शक्ति माना, शब्द ब्रह्म है, ठीक ना। और जितने शब्द हैं वो सब जो है विचार रूप है, तो विचार की भी सत्ता है,
विचार की भी सत्ता है और जो बाह्य वस्तु हैं उनकी भी सत्ता है, और सभी जो सत्ताएं हैं वो वास्तव में शब्द की ही सत्ता है, जिनको वो शब्द ब्रह्म कहते हैं। वही शब्द ब्रह्म पश्यंती के स्तर पर आता है और फिर मध्यमा के स्तर पर आपके विचार के रूप में आता है, और वैखरी के रूप में वही विचार आपके मुंह से प्रयास करते हुए बाहर निकलता है। इस तरह से वैखरी भी शक्ति है, वो अपना काम करती है, मध्यमा भी शक्ति है, वो अपना काम करती है। मध्यमा को आप साक्षात जानते हैं, अनुभव से नहीं जानते हैं, वैखरी को आप प्रत्यक्ष करते हैं, चाहे वो लिखा हो या चाहे बोला हो, प्रत्यक्ष से जानते हैं। इस तरह से एक तरह से ज्ञान की व्याख्या करने के लिए शब्दों के माध्यम से जो प्रकाशित होता है ज्ञान, जब देश कहते हैं, शब्द काल कहते हैं, तो ज्ञान किस रूप में प्रकाशित होता है, उसकी व्यवहार में उसकी व्याख्या के लिए ये भारतीय भाषा दर्शन आया। इसलिए भले ही आपका तत्व मीमांसा ज्ञान मीमांसा पढ़ते हैं, पर ज्ञान मीमांसा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है एक दृष्टि, और वो दृष्टि भर्तृहरि से मिलती है। धन्यवाद आप लोगों को।